और वहीं वाराणसी में हुए हादसे के बाद प्रोजेक्ट के चार अभियंताओं को भी सस्पेंड किया गया है। हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई गाड़ियां पिलर के नीचे दब गई, वहीं घटनास्थल पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। बनारस के कैंट इलाके में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि घटनास्थल की यह तस्वीर है और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन बताया जा रहा है कि एक दर्जन गाड़ियां, जिसमें कि एक बस थी, कुछ चार पहिया वाहनें थी और कुछ टू व्हीलर्स भी थे, वो उस वक्त इस पुल के नीचे से गुजर रहे थे। और इन गाड़ियों की हालत देखकर आप इस घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि जो निर्माणाधीन पुल था उसका दो बीम अचानक से नीचे आ गिरा और एक बीम की वजन कितनी ज्यादा होती है इन गाड़ियों की हालत से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि लोगों का यह भी आरोप है कि अगर समय रहते जो बचाव कार्य है उसको शुरू किया गया होता तो शायद कुछ और जानों को बचा लिया गया होता। ये बताया जा रहा है कि इस घटना में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग घायल हैं जिनका कि बनारस के कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि इस घटना के बाद खुद सीएम भी बनारस पहुंचे थे, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस वक्त भी बनारस में मौजूद हैं और इस पूरे घटना में जो भी सरकार का ये कहना है कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार आदमी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक चार जो अभियंता हैं सेतु निगम के उनको बर्खास्त किया जा चुका है। कैमरा रमेश के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, वाराणसी। और वाराणसी हादसे की तकनीकी जांच के लिए भी टीम का गठन किया गया है। 3 सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी टीम करेगी हादसे की जांच। मुख्य अभियंता PWDY के गुप्ता के नेतृत्व में बनी है कमेटी। टीम में संयुक्त प्रबंध निदेशक सेतु निगम YK शर्मा शामिल हैं, चीफ इंजीनियर इलाहाबाद SK गुप्ता भी समिति में शामिल है। समिति 15 दिन में सौंपेगी हादसे के तकनीकी कारणों की रिपोर्ट। तत्काल प्रभाव से एक शासन की ओर से समिति गठित हुई है जो इसमें कहां क्या गड़बड़ उसकी जांच करेगी, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है जिसमें 3 सदस्यीय मतलब कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में अध्यक्ष के नाते YK गुप्ता ये चीफ इंजीनियर हैं और सदस्य दो इसमें जो हैं YK शर्मा ज्वाइंट MD हैं सेतु निगम के और SK गुप्ता ये चीफ इंजीनियर इलाहाबाद। बाकी आज की घटना के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई वो 15 दिन में जांच करने का काम करेगी। वाराणसी में रेस्क्यू खत्म, हाहाकार जारी। वाराणसी में कल शाम गिरा था निर्माणाधीन ओवरब्रिज। हादसे का इतना विभत्स नजारा कि कांप गई रूह। ओवरब्रिज के नीचे दबकर 18 लोगों की दर्दनाक मौत। देर रात CM योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे वाराणसी। आपको बता दें कि PM के निर्देश पर वाराणसी पहुंचे थे सूबे के मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का लिया जायजा। हादसे के शिकार लोगों से CM ने मुलाकात की। हादसे के शिकार हुए लोगों को मुआवजे का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी है। और 4 तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि कल शाम में हादसा हुआ है, उसके बाद CM योगी देर रात पहुंचे हैं, हादसे की जानकारी ली है, घटनास्थल का भी जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की है और उसके बाद जहां ये हादसा हुआ वहां पर भी गए और निरीक्षण किया है। तो ओवरब्रिज के नीचे दबकर 18 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। और देर रात वाराणसी पहुंचे CM योगी ने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मृतकों के परिवार के साथ संवेदना भी व्यक्त की है। घटना दुखद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी घटना के तत्काल बाद पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम की ली और तत्काल राहत कार्य प्रारंभ करने के बारे में भी आवश्यक निर्देश जारी किए। मैंने तत्काल अपने डिप्टी CM को और प्रदेश के अपने विभाग जो विभागीय मंत्री थे उनको यहां पर स्वयं मौके पर राहत कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भेजा। 15 के आंकड़े हमारे पास आए हैं और विभिन्न जो हॉस्पिटल्स में या घटनास्थल पर NDRF ने बहुत अच्छा काम यहां पर किया है। राहत कार्य में NDRF और UP पुलिस के जवानों ने
स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के जिस तत्परता के साथ कार्य किया था, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 11 लोगों की मौतें हुई हैं, 15 मौतें हुई हैं और 11 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका विभिन्न हॉस्पिटल्स में, वह BHU के हॉस्पिटल में, कबीरचोरा के हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में उनका उपचार वर्तमान में चल भी रहा है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के लिए APC की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता और विभाग प्रमुख तथा जल निगम के MD को उसमें सदस्य के रूप में रखा है और 48 घंटे के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। सभी घायल नागरिकों को उपचार कराने के लिए पहले ही हिदायत दिए जा चुके हैं और हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा तत्काल रूप से की है। वाराणसी में कल क्या हुआ, कैसे हुआ इतना भीषण हादसा और हादसे के वक्त वहां के क्या थे हालात, चश्मदीदों से बात की हमारे संवाददाता ने। मंगलवार की शाम बनारस में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब कैंट स्टेशन के पास निर्माणाधीन पुल के 2 बीम अचानक से गिर पड़े और उन दोनों बीमों के नीचे तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां दब गई, जिसमें कि अब तक 18 लोगों की मरने की खबर है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ जो उस वक्त यहां पर मौजूद थे, आप लोग उस वक्त यहां पर मौजूद थे, क्या देखा आप लोगों ने? 5:35 की कहानी है, लेकिन अचानक गिरा, उसमें कम से कम उस समय 7-8 गाड़ियां एकदम से बीम के नीचे आ गई और हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और यहाँ पे न कोई सुरक्षा है। हम 3 घंटे बाद जो है यहाँ पे एम्बुलेंस आई है और तब 3 घंटे बाद करीब 8 बजे के बाद जो है यहाँ पे राहत का काम शुरू हुआ है सर। 3 घंटे तक कोई यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया है, जो जैसे निकला है वैसे निकल पाया है। 3-4 घंटे बाद फिर जो है क्रेन आई है, फिर उस पिलर को हटाया है, उसमें जो दबे हुए लोग थे उनको निकाला गया है। मैं कंटिन्यू बना हूँ यहाँ कम से कम 6 घंटे हो गया, मेरा एक आदमी मिस है, अभी तक नहीं मिला। कम से कम 25-30 लोग घायल हुए होंगे और मे भी इमीडिएट जब गिरा ना उस समय पूरा स्लैब गिरा है, गिरने पे इमीडिएट ये एक्शन हम लोगों को महसूस हो गया कि मतलब डेड है, कुछ नहीं है। तो एक बार तस्वीर आप देख सकते हैं कि उस वक्त जब हादसा हुआ ये तमाम गाड़ियां और जो सवार लोग थे यहां से गुजर रहे थे और चूंकि जो ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा था, जो बीम होता है उसकी वजन इतनी ज्यादा होती है कि आप समझ सकते हैं कि जब दोनों बीम नीचे गिरे होंगे तो इस पुल के नीचे से जो वाहनें गुजर रही होंगी या जो भी लोग गुजर रहे होंगे ये कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। हालांकि जो लोग हैं जो उस वक्त यहां पर मौजूद थे उनका ये मानना है कि अगर समय रहते या थोड़ी जल्दी राहत का काम शुरू किया गया होता तो शायद कुछ और जानों को बचा लिया गया होता। कैमरामैन अमीश के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, बनारस।